नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में दोस्तों एक बार फिर आपका दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी धन संबंधी समस्या को कम कर सकते हैं, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं केवल इस मंत्र का जाप करके। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि नए अपडेट्स नई वीडियोज़ आपको मिलते रहें, और उसके साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नई वीडियोस आपको मिलते रहें, और आप उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताते रहें ताकि वे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आगे बात करते हैं, पैसा आज के समय में बहुत कुछ है, और कहा जाए तो पैसा सब कुछ है, क्योंकि पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए, सुख किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, और यह सब कुछ पैसे से ही संभव है। और सभी सुबह से शाम तक किसी दौड़ में लगे रहते हैं, और यह सब कुछ अपने आप को भूल कर केवल अपने बच्चों अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अगर कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा प्राप्त ना हो तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन और संतोष खो देता है, और आखिर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी प्रकार की पूजा पाठ तंत्र मंत्र टोटके सभी अजमाते हैं, और आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान उपाय बताऊंगा जो आपको सुबह सबसे पहले उठने के बाद करना होगा। और कहते हैं कि हाथ की हथेली में भगवान बसते हैं, और उसी का मंत्र मैं बताऊंगा जो आप पढ़ेंगे। उसके पढ़ने के बाद आपके पास जमा हुई सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब जब हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का आवरण बन जाता है, हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी एक अपना स्थायी निवास बना लेती है, तो वह किसी सही काम को होने नहीं देती, और सभी कार्य बिगड़ते हैं और बनते नहीं हैं, और कुछ भी ठीक नहीं होता, और पॉजिटिव एनर्जी का वास नहीं होता, और पॉजिटिव एनर्जी ही कार्यों को बनने के लिए हेल्प करती है। तो दोस्तों आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर कैसे पॉजिटिव एनर्जी का वास किया जाए, हमारे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, जिससे नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर प्रभावी ना हो, और हमारी सभी काम बनते रहें, और धन संबंधी समस्या हमारी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूँ, जिससे करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपके धन संबंधी समस्या दूर होगी। दोस्तों आपको मंत्र बताता हूँ मैं पढ़ के। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम। दोस्तों वैसे मैं यह मंत्र आपको लिख के भी बता दूंगा ताकि आपको बोलने में आसानी हो। यह मंत्र आपने 7 बार हाथ को खोलकर और इकट्ठे मिलाकर, जैसे दोनों हाथों से पानी भरकर हम पीते हैं, वैसे ही आपने हाथों को जोड़कर हाथों को मिलाकर अपने आपने मंत्र का जाप करना है, क्योंकि लक्ष्मी हमारे हाथों में वास करे, और वह लक्ष्मी हमारे हाथों में वास करती भी है लेकिन हमें पता नहीं होता। कभी भी उसका प्रभाव व कृपा कम न हो, वह सदा हमारे पास बनी रहे, ऐसा मंत्र में कहा गया है। और आंख बंद करके आप अपने मन में पॉजिटिव सोच को बनाए रखें, ध्यान करें कि आज से मेरे पास धन की कमी नहीं रहेगी, और आप सभी का आदर करेंगे और प्यार से बात करेंगे। यह मंत्र इस मंत्र का जाप आप रोज करेंगे तो आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होती चली जाएगी, जिससे पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके सभी काम बनते शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज के अंक में कि आप कैसे अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी का अपने चारों तरफ वास करवा सकते हैं, और अपने सभी बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नया उपाय लेकर आऊँगा आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।